भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरो दीनावृतः श्रीमान् योजना आयुतमुश्रितः गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है। कथाकार तो स्वयं सुखदेव गोस्वामी है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुख मुख से विनिश्रित जो वचन है वही भागवत भागवतम है। ये व्यास नंदन है, श्रील व्यास देव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी वैराग्यवान ज्ञानवान भक्तिमान श्रीमान, यथा संभव उन्हीं के वचन सुनाने का यह प्रयास हम करते हैं। आसीत गिरिवरो राजन, वो भी एक समय
संसार के इतिहास में रहा वो क्षण जिस समय सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से उन्होंने भी ओठ हिलाए और कहा, आसित गिरिवरो राजन, हे राजा, या राजा, राजा परीक्षित है, हम उस सभा में उपस्थित नहीं थे, पता नहीं आप थे क्या, या उस सभा में अगर हम होते तो फिर यहाँ नहीं होते इस समय। जैसे राजा परीक्षित का कल्याण हुआ, उद्धार हुआ, भगवान को, भगवत धाम को प्राप्त किए तो हम भी करते, और अब यहाँ नहीं बैठते, नहीं पहुँचते। तो अभी शोक करने की, अब चिड़िया चुग गई खेत कहिए, या नानु सोचंती पंडितः कहिए, पंडित शोक नहीं करता। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, इस समझ के साथ भी हम प्रसन्न रह सकते हैं कि कम से कम अब तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर पा रहे हैं, हमें वो श्रेय प्राप्त हुआ है। भगवान की कोई अहैतुकी कृपा का फल है कि हम भागवत कथा के श्रोता बने हैं। लगता है कि भगवान की कुछ योजना है हम सभी के लिए। केवल हम ही उनकी खोज में नहीं है, वे भी हमारी खोज में, या वे हमारे खोज में अधिक रहते हैं। हम भूले भटके जीव भूल जाते हैं, लेकिन भगवान हमको नहीं भूलते। सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृद है द बेस्ट फ्रेंड, परम मित्र है भगवान, हम सभी के परम मित्र है। मिठु माझा ले कुरवाड़ा, वो बात भी है, संगे गोपाळांचा मेळा, विठू माझा ले कुरवाळा, ऐसा संबंध है हमारा भगवान के साथ, हम भगवान के हैं और भगवान किसके हैं, भगवान हमारे हैं। जीवन में अगर एक बार कह सकते हैं पूरी समझ के साथ, भावों के साथ, कि प्रभु हम आपके हैं, बस हम आपके हैं, और बस आप हमारे हो, आप मेरे हो, तो बस वहां से क्रांति, एक नई दिशा, नया मार्ग, जाऊ देवाची आगावा, भगवान के धाम जाने का जो मार्ग है। महाजनो ईन गतः स पंथः, उस पथ पर हमें रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जिस पथ पर चले हैं महाजनो ईन गतः,
महाजन जिस पथ पर आगे बढ़े हैं, चले हैं, हम भी उनके चरण कमलों का अनुसरण करते हुए। बोले तैसा चाले त्याची काय वंदावी पाऊले। तो सुखदेव गोस्वामी वे ऐसे महानुभाव, महाभागवत है, महाजन है, विष्णु जन है, जिनके दिए हुए पथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। उनका कौन सा पथ है ये उनकी वाणी से स्पष्ट है, बस जो भी कहते हैं कृष्ण कथा ही उनके मुख से निकलती है। हरि सर्वत्र गीयते, आदौ मध्ये अन्ते, सब समय जब भी कुछ कहते हैं भगवान की बात कहते हैं। ऐसे कृष्ण भावना भावित, कृष्ण कॉन्शियस है श्री शुकदेव गोस्वामी, तो उन्हीं के मुखारविंद से हम गजेंद्र मोक्ष की कथा, प्रसंग, आख्यान, व्याख्यान, श्रवण, कीर्तन का सुअवसर हमें प्राप्त है। तो वे उन्होंने प्रारंभ की ही हुई है कथा, आसित था या है भी कह सकते हैं, गिरिवरो, एक पर्वत, गिरिवर श्रेष्ठ पर्वत, जैसे गिरिराज भी है पर्वतों का राजा, वो वृंदावन का पर्वत, ये अन्य गिरिवर या ये भी गिरिराज है, जिस पर्वत का नाम त्रिकुट है, त्रिकुट नाम से प्रसिद्ध गिरिवर, यह है कहा क्षीर सागर में, क्षीर सागर दूध का सागर, कई प्रकार के सात अलग अलग प्रकार के सागर। कल हम ब्रह्मांड की चर्चा कर रहे थे, तो ब्रह्मांड तो कई सागरों, कई प्रकार के सागरों से भरा हुआ है, सात समुद्र भी हम जिनको कहते हैं, वे सारे सातों समुद्र, सात प्रकार के समुद्र इस पृथ्वी पर नहीं है। यह तो खारे पानी का समुद्र है, लेकिन यह दूध सागर की बात शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो एक दही सागर भी है, एक शराब का सागर भी है, जो क्रिसमस मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू जीसस कहते हुए, तो वे वहां पहुंच सकते हैं बोतलें भर भर के। एक गन्ने के जूस का भी सागर है, तो भिन्न भिन्न रस वाले, स्वाद वाले सागर है। तो ये गिरिवर क्षीर सागर स्थित, और इसकी ऊंचाई बता रहे 10 योजन ऊंचा ये गिरिवर, इसीलिए भी तो गिरिवर, इसीलिए भी तो श्रेष्ठ ऊंचाई के दृष्टि से भी। दस योजन ऊंचा मतलब कितना ऊंचा, 10,000 योजन आयुध का, 10,000 योजन, 1 योजन में होते हैं 8 मील, तो 10,000 योजन मतलब 80,000 मील ऊंचा पहाड़ या पर्वत। आप तो कहोगे बाप रे बाप, और आप मराठी लोग अगर टोपी पहन के जाओगे और
ऊपर देखोगे तो क्या होगा, आपकी टोपी आसानी से गिर जाएगी, इतना ऊंचा पहाड़। त्रिभिश्रंगै पयोनिधम, और उसके त्रिभिश्रंगै, उसके तीन श्रंग या शिखर है या चोटी है पर्वत की, इसलिए त्रिकूट भी कहा, त्रिकूट इसीलिए उसको कहा त्रिकूट। दिशः खं रोचयन, और बड़ा बड़ा सुहावना वातावरण सभी दिशाओं में, और ये तीन शिखर इस पर्वत के तीन अलग अलग धातु से बने, एक चांदी से बना हुआ शिखर है, एक लोहे का तो एक सोने का, और उसी से उसकी चमक दमक भी है। अन्यैश्च ककुभः सर्वा रत्न धातु विचित्रतै, और कई सारे ये सोने चांदी के अलावा अन्य धातु, अन्य रत्न, रत्नों से जड़ित अलंकृत वन संपत्ति या पर्वत में कई प्रकार की संपत्ति, कई प्रकार के रत्न भी प्राप्त। वसुंधरा, वसुंध पृथ्वी को भी कहा है, या वैभव है, रत्न है, संपत्ति है, ऐसे संपत्तियों से ये संपन्न था ये त्रिकुट। अवनिज्यमानं हि समन्तात पयूर्मिभि, और उसके चारों तरफ से दूध का सागर और मध्य में ये त्रिकुट, तो सभी ओर से दूध के सागर की लहरें तरंगे उस पर्वत तक पहुंचती है, जिसके कारण वहाँ के जो पत्थर है उसको भी फोड़ने तोड़ने वाले ये तरंगे, और उससे मरकत मणि बन जाते हैं। जो मरकत मणि करोति श्यामलाम भूमिम, उसमें यह गहरा हरा रंग होता है उन मरकत मणियों का, डीप ग्रीन उसकी आभा या कांति होती है मरकत मणियों की, तो सर्वत्र मरकत मणि मणि उस पहाड़ के इर्द गिर्द है। सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर महोरगैहि, और इस प्रकार के वहाँ के निवासी है या पर्यटक है, वहाँ कौन कौन पहुँच, सिद्ध चारण गंधर्व वहाँ पहुँच जाते हैं, मनुष्यों का नाम नहीं लिया वहाँ। अच्छा है कि वहाँ मनुष्य नहीं पहुँच, गंदा बना देंगे स्थान को, जहाँ भी मनुष्य पहुँच जाते हैं गंदगी को फैलाते हैं। हमारे एक महाराज कहता वहाँ फिर वहाँ व्यवस्था, और कई सारी पार्किंग की व्यवस्था, ये सिद्ध गंधर्व चाणर भी अपने अपने यानों में बैठ के आते हैं, लेकिन उनका पार्किंग तो वायुमंडल में हवा में ही होता है, वही पार करके अब भूमि को स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं है। और इन सिद्ध चानर गंधर्व, इनके शरीर भी मलमूत्र के भांड नहीं है जैसे मनुष्यों के है। सूर्य लोक में रहने वाले भी लोग हैं, उनका शरीर तो मिट्टी का नहीं बना है,
उनके शरीर में अग्नि की प्रधानता है, तो किसी के शरीर में वायु की प्रधानता है। हमारा शरीर तो पंच महाभूतों का बना हुआ है, पांच भूत हमारे पीछे लगे हैं, पंच महाभूत, महाभूत, बड़े बड़े भूत, एक ही पर्याप्त है, लेकिन यहाँ पांच लगे हैं। तो ये सभी गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है, क्रीडत भीर्जुष्ट कंदरः, उस पहाड़ के पर्वत के कंदराओं में, गुफाओं में ये सभी सिद्ध चानर गंधर्व विद्याधर आदि आदि विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, नृत्य करते हैं, गायन करते हैं। यत्र संगीत, वहाँ भी संगीत है, बड़ा दिव्य संगीत है, हमारे संगीत से भी श्रेष्ठ। ये स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से भी ये न्यारा या ऊंचा है। वैसे ये तो भगवान का धाम है, ये श्वेत द्वीप, इस ब्रह्मांड में भगवान ने अपना एक धाम स्थित किया है, अपने वैकुंठ धाम का एक एक्सटेंशन काउंटर कहिए बनाया है, रखा है, वो है ये श्वेत द्वीप, क्षीर सागर। इसी क्षीर सागर के मध्य में भगवान अनंत शैया पर लेटते हैं, जिनके चरणों की सेवा लक्ष्मी सदैव करती है, ऐसा दृश्य आपने चित्र तो देखा होगा, वो श्वेत द्वीप का है। तो उस द्वीप की चर्चा यहाँ हो रही है, उसी द्वीप का ये त्रिकुट पर्वत है जहाँ पर देवता पधारते हैं और प्रभु का गीत गाते हैं। संगीत तो भगवान का गीत। एक समय जब जब गीत होता था तो भाव गीत, भक्ति गीत ही हुआ करते थे। इस पृथ्वी पर अब फिल्म संगीत चल रहा है, क्या क्या गीतों से, संगीत से भगवान की गान का गीत गाथा गाया करते थे सभी मनुष्य, या तो स्वर्ग की बात या श्वेत द्वीप की बात पर भी। किंतु जैसे ही यह धर्मस्य ग्लानिर्भवती, धर्म की ग्लानि जैसे हो रही है, धर्म का ह्रास हो रहा है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसी के साथ हम भगवान के स्थान पर हम स्वयं को बिठा रहे हैं, या ईश्वरो अहम, मैं कौन हूं, ईश्वरो अहम, ये भाव बढ़ रहा है। तो ऐसे ईश्वर, ईश्वरी का गुणगान इस पृथ्वी पर हो रहा है, जिसके कारण हम वैसे सभ्य नहीं असभ्य बन जाते हैं, अनसिविलाइज्ड, नॉट सिविलाइज्ड, मॉडर्न सिविलाइजेशन हम कहते हैं, लेकिन अनसिविलाइज्ड। गीतो यत करोसि यद अस्नासि यद जिहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरु स्वमद अर्पणम्। ये नियम है मनु महाराज का दिया हुआ, भी कल मनु महाराज की चर्चा, मनु के प्रशासन में, यत करोसि तद कुरु स्वमद अर्पणम्,
आप कोई कला जानते हो, कोई कार्य करते हो, कोई दान देते हो, तपस्या करते हो, तद कुरुसु मदर्पणम, मुझे अर्पित करो। इसमें उस कला की, उस दान का, उस तपस्या की पूर्णता है और फल भी उचित फल, जो कृष्ण प्रेम या भगवत प्राप्ति। अभिगर्जन्ति हरया श्लाघिना परशंकया, तो इन देवताओं द्वारा गाए हुए हरि के गुण, उसकी इतनी ध्वनि फैलती, ध्वनि प्रतिध्वनि, वहाँ के या हरया, हरि मतलब यहाँ सिंह, सिंह उस उन ध्वनि को सुन के सो, ए ये और तो कोई सिंह नहीं गा रहा है, तो सिंह सोच और कोई सिंह या गर्जना कर रहा है, ऐसे उनको महसूस होता, तो पर शंका या ऐसी शंका उनके मन में उत्पन्न होती, तो श्लाघिना वो स्वयं भी अभिगर्जंती, वो स्वयं गर्जना करने लगते, दहाड़ने लगते, तो वो भी मानो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं उस संगीत को। नाना अरण्य पशुव्रात संकुल द्रोण्य अलंकृतः, सुखदेव गोस्वामी उस स्थान का जी भर के, वैसे दिल खोल के, टू इज हार्ट्स कंटेंट वर्णन कर रहे हैं। उनका विचार तो ये मेरे प्रभु का धाम है, या इसी स्थान में अब प्रभु का प्राकट्य भी होगा, मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष के लिए भगवान प्रकट होंगे इसी त्रिकुट पर्वत के तलहटी के एक तालाब के किनारे, ऐसा विचार करके पूरा वर्णन कर रहे हैं वहाँ के दृश्य का, उसको भौतिक नहीं समझ रहे हैं। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते, ऐसा एक नियम है, वो वैराग्य फाल्गु हुआ, जिस वस्तु का, व्यक्ति का, चीज का संबंध भगवान से है, हरि संबंधी वस्तु ना, लेकिन उसको प्रापंचिक समझ के उसको, उसका त्याग दिया, तो ऐसा वैराग्य फाल्गु कथ्यते, फाल्गु फालतू। तो इस क्षेत्र को, इस परिसर को, इस पर्वत को, वहाँ के दृश्य को, वहाँ का सारा जो वातावरण है, ये भगवान के धाम का वातावरण या वर्णन है, तो सुखदेव गोस्वामी, नहीं तो सुखदेव गोस्वामी को क्या, क्यों वर्णन करते हैं। और वैसे इस, ये जो मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष का जो प्रसंग है, इसके अंत में स्वयं भगवान कहे, जो इस गजेंद्र मोक्ष का कथा का श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत ये सब पर्वत का भी, वहाँ के दृश्य का भी वर्णन है, उनको फल तो भगवान के धाम की प्राप्ति का फल बता रहे हैं। तो गजेंद्र मोक्ष के अख्यान को, वर्णन को अलग नहीं कर सकते इस वर्णन से, जो सुखदेव गोस्वामी नाना अरण्य कह रहे, या अरण्य थे, नाना अरण्य, जैसे दंडकारण्य हमें पता है, नैमिषारण्य, वृंदारण्य, तो